हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन। सिलेबस क्या है इसका, हमें देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, जिसमें हमें एवरग्रीन, डिसिडियस, डेजर्ट, लिटोरल और माउंटेन, ठीक, इन फाइव वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है। और इन वेजिटेशन का हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, और उनका क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन है तो वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ में कोरिलेशन क्या है ये देखना है, और फिर हमें इसका एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव देखना है, दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आप लोगों ने कहा था सर बोर्ड पर पढ़ाइए, तो मैं बोर्ड पर पढ़ाने आ गया हूँ। आप लोगों के पीपीटी पे पढ़ाइए तो पीपीटी पे पढ़ा दूंगा, दोनों कहोगे दोनों पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपका वेलफेयर होना चाहिए, बस ये मेरा कुल मिलाकर के एक पर्पस है, ठीक है। अभी इसके पहले की चैप्टर यानी मैप, क्लाइमेट, सॉइल, ये पीपीटी पे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ आई बटन पे लिंक है, अगर नहीं देखे हो तो उसको देख लो। अगर उसको भी कहोगे तो मैं उसको भी बोर्ड पे पढ़ा दूंगा। खैर, पिछले साल मैंने क्लाइमेट वगैरह बोर्ड पे पढ़ाया हुआ, जो कि फुल सिलेबस में आप वहां भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ, ये भी है कि पढ़ाने के बाद में जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, स्पेसिमेन भी दे दिया गया है, बावजूद उसके और लॉट ऑफ क्वेश्चन वो आपको मिलेंगे यहाँ से, दैट इज आईसीएसई क्वेश्चन बैंक, ओसवाल गुरुकुल की है, मेरे पास है, बेहतरीन क्वेश्चन है, हर तरीके के इसमें क्वेश्चन है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट लॉन्ग, जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो अच्छा स्कोर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर लो। चलो चैप्टर पे सबसे पहले, चूंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है, तो इसमें अलग से कोई रटने की जरूरत नहीं है, इस वर्ड की मैकेनिज्म ही समझो कि नेचुरल और वेजिटेशन, यानी जो वेजिटेशन नेचुरली ग्रो हो, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन अगर कहे तो क्या होता है, तो दैट इज प्लांट कम्युनिटी, ठीक। तो क्या कहोगे कि मतलब अब आपको अगर डिफाइन करना हो तो प्लांट कम्युनिटी, ठीक है, व्हिच ग्रोज नेचुरली, ठीक है, व्हिच ग्रोज नेचुरली, यानी प्लांट कम्युनिटी जो कि नेचुरली ग्रो होती हो। अब नेचुरली ग्रो में एक चीज और उसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज विथाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, विथाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, इतनी चीज यहां पे कि प्लांट कम्युनिटी दैट ग्रोज नेचुरली विथाउट ह्यूमन या विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। अब इसको थोड़ा अगर डिफाइन करोगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या मतलब बिना नेचुरली भी ग्रो हो सकते हैं, तो हाँ, उन्हीं को यहाँ पे जो फॉरेस्ट वर्ड आया है ना, अगर आपसे कोई कह दे कि वेजिटेशन और फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है, थोड़े से डिफरेंस ही हो जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं इनमें जो ह्यूमन एड वाली बात है ना, ह्यूमन इंटरफेयर वाली बात है, वो चीज हो जाती है कि जब मैन अपने इफर्ट से करता है, जैसे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं, खुद आप लगाते हो, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, वो ह्यूमन इंटरफेरेंस से हो जाते हैं। और ह्यूमन इंटरफेरेंस में एक चीज आपको नहीं देखने मिलती है कि वहां का जो नेचुरल चीज उस फॉरेस्ट में होती है वो देखने को नहीं मिलती, उस वेजिटेशन में नहीं देखने को मिलती है। जैसे मान लो अब आप एक कैक्टस का प्लांट अपने यहाँ उगा रहे हो और आप डेजर्ट रीजन से नहीं हो, ठीक है, तो कैक्टस वहां के नेचुरल वेजिटेशन को नहीं दिखाता, उस कैक्टस से हम वहां के क्लाइमेट को नहीं डिफाइन कर सकते, वहां का रेन नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि ये वहां का नेचुरल चीज है ही नहीं, ठीक है। आप ये चीज समझ गए होगे कि नेचुरल वेजिटेशन में, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, और वेजिटेशन कैसे नेचुरल नहीं भी हो सकती, ये भी आप जान रहे हो, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि फॉरेस्ट और वेजिटेशन में क्या डिफरेंस, तो ये भी बता सकते हो। दो वर्ड इसमें और आते हैं, एक होता है फ्लोरा, तो फ्लोरा कहते हैं हम जो प्लांट स्पीसीज होती है, फ्लोरा से फ्लावर जानोगे तो समझ जाओगे, और अगला होता है फना, दैट इज एनिमल स्पीसीज, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतना है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पे। देखो इसमें रटने उटने वाला कुछ नहीं है, मेरी मानो रटो कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, और दिमाग यही दौड़ाना है कि इंपॉर्टेंस का मतलब ये होता है कि यूजेस। अब ये आप क्लास टेंथ में हो और खुद से जरा ये चीज सोचो कि प्लांट्स के हमारे लिए क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, और फिर उनको ऑर्गेनाइज करना है हेडिंग्स में, आप कैसे भी हेडिंग्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ बुक्स में दिया है प्रोडक्टिव इंपॉर्टेंस, फिर उसमें प्रोटेक्टिव हो गया, इसके अलावा और उसमें मैं देख के ही बता देता हूं, प्रोटेक्टिव है, रेगुलेटरी है और एक्सेसरी है, ठीक है, एक ये दिया है, इन हेडिंग्स में आप बता सकते हो। इसके अलावा आप सिंपल हेडिंग में बता सकते हो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट,
इसमें बता सकते हो, क्योंकि छोटी क्लास से हम ये भी पढ़ते आए हैं। छोटी बड़ी क्लास का मतलब नहीं होता, ऑर्गेनाइज करने से मतलब होता है, वो खुद आप ऑर्गेनाइज कर लोगे। डायरेक्ट का मतलब क्या होता कि जो फॉरेन से हमको डायरेक्ट जो चीजें मिल रही हो, ठीक है। चलो पहले इस पे हम लिख देते हैं, फिर आप इसमें उस चीज को कैटेगराइज कर लोगे। प्रोडक्टिव में क्या होता है, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको क्या क्या मिल जाता है, तो कहोगे सर फूड मिल जाता है, फूड मतलब जो फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज है, ठीक है, वो मिल जाता है, फूड मिल जाता है। इसके अलावा हमें बहुत सारे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल जाते हैं। अब ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या चीजें आएंगी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आएगा जैसे हनी, वैक्स यानी शहद, मोम, रेसिन्स, ठीक, ये चीजें आ जाएंगी। तो ये सब क्या है, ये प्रोडक्टिव फंक्शन में आता है। किसमें आता है, मतलब उसके प्रोडक्टिव फंक्शन है, मतलब हमको ये सब प्रोडक्ट जो है वो कहां से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। हाँ, मेन चीज तो भूल गई, टिम्बर, टिम्बर यानी लकड़ी, काहे के लिए, फर्नीचर के लिए, ठीक, ये इसमें आ गया। अब प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हुआ, अच्छा आप एक चीज आप समझ गए, ये जो प्रोडक्टिव चीजें हैं ये क्या है, ये डायरेक्ट में ही तो आएंगी, ये हमको प्लांट से क्या मिल रही है, डायरेक्ट मिल जा रही है, ठीक। बात अगर प्रोटेक्टिव भी करोगे तो प्रोटेक्टिव में मतलब ये होता है कि प्लांट्स हमको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्ट जैसे सॉइल इरोजन से हमें क्या करते हैं, सेव करते हैं, सॉइल इरोजन से क्या करते हैं, हमें सेव करते हैं। सॉइल इरोजन से कैसे सेव करते हैं, जिनकी रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को बांध करके रखती हैं, ठीक है, और जब बांध करके रखती हैं तो वो फ्लो नहीं होती है, ठीक है, वाटर के साथ में, वाटर फ्लो के साथ में, या जब रेन होती है तो उसकी वेलोसिटी को प्लांट्स क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से भी कम नहीं होती है, एक सॉइल कवर रखते हैं, तो सॉइल इरोजन। इसके अलावा प्लांट जो है वो नॉइज को भी रिड्यूस करते हैं, तो नॉइज पोल्यूशन से हमको सेव करते हैं, ठीक। और कुल मिलाकर के प्लांट्स अपने आप में जो हर तरीके का पोल्यूशन है उन सभी पोल्यूशन से क्या करते हैं, हमको सेव करते हैं, ठीक। तो इसका प्रोटेक्टिव मेजर हो गया। इसके अलावा और भी है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी, जो कि आपको पता है ह्यूमस क्या होता है, सॉइल चैप्टर पढ़ चुके हो, ह्यूमस होता है जो प्लांट और एनिमल की जो डिके मटेरियल होते हैं, ठीक है, डिके जो रिड्यूस होते हैं वो, तो इसके ये क्या करते हैं, तो इसके जो डिके रिड्यूस होते हैं वो उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं, और ह्यूमस ऐड करके क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। अब आप कह सकते हो कि ये इसका क्या है, ये भाई हमको सीधा सीधा दिखता नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट हो गया। प्रोटेक्टिव में और भी आ जाएगा, जैसे प्लांट्स क्या करते हैं या ट्रीज क्या करते हैं, ये हमारे क्लाइमेट को मॉइस्ट करते हैं, मॉइस्ट करने के बाद में जो वाटर वेपर है उसको कंडेंस होने के लिए, उसको सैचुरेट होने के लिए फोर्स करते हैं, और जिससे कि रेन होती है, राइट। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या आ जाएगा, रेगुलेटरी फंक्शन में आपका आ जाएगा कि ये कुछ चीज रेगुलेट करते हैं, क्या रेगुलेट करते हैं, जैसे आपको पता है O2 CO2 का रेगुलेशन, ठीक है, आपको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और हमारे लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, मतलब पूरी जो है एनिमल कम्युनिटी के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और प्लांट कम्युनिटी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। इस तरीके से किसमें आते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन में ये काम करते हैं, ठीक है। अब एक्सेसरी में और देख लो, तो ये क्या करते हैं, हैबिटेट अवेलेबल कराते हैं बहुत सारी वाइल्ड लाइफ के लिए, यानी जो प्लांट में अपना शेल्टर पाते हैं या फॉरेस्ट में अपने शेल्टर को पाते हैं, कुछ फॉरेस्ट पे रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट के नीचे ब्रोज बना के रहते हैं, ठीक है, उन पे डिपेंड करते हैं, या फॉरेस्ट में ऐसे ही रहते हैं जो वाइल्ड लाइफ है, तो उनके लिए क्या करते हैं, हैबिटेट अवेलेबल कराते हैं। अब ये सब हो जाने के बाद में अगर आपसे कहा जाए कि इनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इनको ट्रांसफर कर दो, तो वो भी आप कर लोगे, कि जो जो चीजें डायरेक्ट देखती है, हैबिटेट वाला डायरेक्ट हमको दिखा कि हाँ ये हो रहा है, ये प्रोडक्टिव वाला हमको डायरेक्ट दिखेगा कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन जैसे अब हमारे एनवायरनमेंट को जो है, यानी एटमॉस्फेयर को, दैट इज क्लाइमेट वगैरह, उनको रेगुलेट करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इधर उधर करना, पोल्यूशन पे कंट्रोल करना, सॉइल इरोजन चेक करना, ये सब चीज़ हमको डायरेक्ट दिखने वाली नहीं है, तो ये क्या है, इसके इनडायरेक्ट यूजेस हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पे। तो वेजिटेशन कितने टाइप्स की यहाँ पे आपको दी हुई है, 5 टाइप्स की, जिनको हमें पढ़ना है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहचान के लिए आपकी इमेज हम एडिट करेंगे, तो उन फॉरेस्ट को इमेज लगा देंगे जिससे आप पहचान पाओगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन।
देखो एवरग्रीन के साथ ट्रॉपिकल भी लिखा हुआ है, ये चीज थोड़ा आप जब बड़े क्लास में या कुछ बड़े ही पढ़ोगे तो ये चीज थोड़ा आपके लिए मैटर करेगी। सबसे पहले एवरग्रीन का मतलब समझो, एवर माने क्या होता है, हमेशा, और ग्रीन माने जो हरे रहते हैं, ठीक है। यानी ऐसे ऐसी वेजिटेशन जो थ्रू आउट द ईयर हरी ही रहती है, मतलब थ्रू आउट द ईयर लीव्स रहती है, उसके लीव्स को शेड करने का पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, ठीक है। लाइक डिसिडियस, तो डिसिडियस ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, इसलिए साल भर हरे रहते हैं। और उसका मेन रीजन ये रहता है कि उनकी ह्यूमिडिटी 75% से ज्यादा होती है, थ्रू आउट द ईयर रेन होती है, अच्छा खासा टेम्परेचर भी रहता है, और इसकी वजह से उनकी लीव सेट नहीं होती है। हम इस पे जब बात करेंगे कि लीव सेट क्यों कर देते हैं, तब यहाँ ये और क्लियर हो जाएगा। तो एवरग्रीन ये हो गया। अब ट्रॉपिकल रीजन में कुछ एवरग्रीन पाए जाते हैं, उनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहेंगे। जैसे मान लो आपके इसके अलावा आप इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाएंगे, माउंटेन रीजन में भी एवरग्रीन पाए जाते हैं। माउंटेन पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पाए जाएंगे, वहाँ भी पाए जाएंगे, लेकिन वो माउंटेन के एवरग्रीन फॉरेस्ट इन एवरग्रीन फॉरेस्ट से अलग रहेंगे, मतलब उनकी जो प्लांट कम्युनिटी वो थोड़ी अलग हो जाएगी। ये चीजें तो इनके ज्योग्राफिकल स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है, मतलब ज्योग्राफिकली इनका कैसा होता है। तो इसमें ज्योग्राफिकली वाले में हम देखते हैं यही चीज की, जैसे यहाँ रेन जो होती है तो 200 सेंटीमीटर आर एबव रेन होगी यहाँ पे, ठीक है, मतलब जिन रीजन में 200 सेंटीमीटर एबव रेन हो। टेम्परेचर एनुअली जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक का रेन होता है। ह्यूमिडिटी जो होती है 70% एंड एबव होती है, थ्रू आउट द ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका, और रेन जो है वो क्या होती है, थ्रू आउट द ईयर होती है। अब आप कहोगे सर इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, जैसे आप क्लाइमेट पढ़ चुके हो, आप सॉइल भी पढ़ चुके हो, तो खुद आप अपने मन से इसको रिलेट करो। आप, मैं आपको बता दूं, आप क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेस, ये चारों जब पढ़ लोगे और इनके बीच में आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर लोगे तो ये जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि एक चीज दूसरे से रिलेटेड है, हमेशा एक चीज दूसरे से रिलेटेड है, ठीक, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, रेसिप्रोकल है, जो भी कह लो, इंटरडिपेंडेंट है, सब कह सकते हो, और वो सारी चीजें हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, अगर आप इंडिया के मैप की बात करोगे, ठीक है, इंडिया के मैप की बात करोगे तो आपको पता है कि जो ये वाला रीजन है वेस्टर्न घाट, ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो हो गया, यहाँ पे खूब ज्यादा रेनफॉल मिलती है, और इक्वेटर की तरफ, मतलब यहाँ से कुछ ही दूर पे इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई रहता है। तो ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे आपको मिलेगी क्या, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है यहाँ पे भी आपको पता है कि हैवी रेनफॉल होती है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर मान लो आपको स्टेट बताएं तो आप बता सकते हो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट, आपका केरला है, कर्नाटका है, कुछ तमिलनाडु का रीजन है, ठीक है, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो इस जगह पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलती है। कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है इसमें, ठीक है, कौन कौन सी वेजिटेशन है, तो अगर वेजिटेशन की बात करोगे तो इसमें आपकी पाई जाती है रबर, रबर एक तरीके का आप उसमें भी पढ़ोगे, सब रिलेट करेगा। रबर आप पढ़ोगे, जब आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो रबर के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, तुरंत जान जाओगे अच्छा रबर इस रीजन का है और रबर को ये चीजें चाहिए, ठीक है। अब रबर से हम पूछ लें कि रबर को कौन से क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है, तो कहोगे सर 20 सेंटीमीटर रेनफॉल और 25-27 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रबर के बारे में आप यही पढ़ चुके, ठीक। तो रबर है यहाँ पे, इसके अलावा एबोनी है, एबोनी है, महोगनी है, एबोनी, महोगनी, रबर, ठीक, ये सब यहाँ के क्या है, ट्रीज है। इनके यूजेज भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो रबर का यूज आपको क्या, आपको पता है कि रबर से क्या निकलता है, लेटेक्स, और लेटेक्स का यूज करके हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जो बहुत सारी जो इंसुलेटर्स होते हैं, इसके अलावा टायर हो गया, स्लीपर हो गया, और जितने भी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स हैं बहुत सारी चीजें रबर से बनती है। एबोनी जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसा वर्क करता है, एक ब्यूटी ब्यूटी प्रोडक्ट में काम आता है। महोगनी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा फर्नीचर, डेकोरेटिव फर्नीचर, इन सब में इसका यूज होता है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग देख लिया, अब आता है कोरिलेशन विथ, अभी इनको एक साथ में भी आपको एक चार्ट के थ्रू भी समझा देंगे। अब आते हैं कोरिलेशन विथ एनवायरमेंट। कोरिलेशन विथ एनवायरमेंट का मतलब ये होता है कि इनके एक करेक्टरिस्टिक कह लो, या उनका वहाँ के एनवायरमेंट से इनका क्या लेना है। तो करेक्टरिस्टिक में ये है कि ये जो यहाँ की जो ट्रीज होती हैं होते हैं वो हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, ठीक। तो यूजफुल तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट नॉट कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड।
बट नॉट कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। आपको ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि क्यों कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड नहीं होते हैं, तो इनका कारण है, इनमें आप एक अभी बताते हैं इसको, इनमें आप एक चीज और देखोगे कि इनमें एक बड़े एरिया में कोई स्पेसिफिक स्पीसीज नहीं पाई जाएगी, स्पेसिफिक स्पीसीज नहीं पाई जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे रबर कट तो पूरा रबर का फॉरेस्ट दिख रहा है, ऐसा नहीं, इसी में रबर होगा, इसी में महोगनी होगी, इसी में सिंकोना होगा, इसी में बोनी होगी, ठीक है, इसी में रोजवुड होगा, इस तरीके से ये सब मिक्स मिलेंगे, ठीक है, और इसमें मिक्स मिलेंगे, और इसमें बहुत सारे इसके अलावा इसमें आपके होते बहुत सारे क्रीपर्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बंबू भी होते हैं, तो टेंगल्ड होते हैं आपस में, तो फंसे होते हैं कुछ उसमें से, ऐसा फंसाए होते हैं, और काफी डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं। दूसरा, रेन इस लेवल पे होती है, रेन इस लेवल पे होती है, तो ये एरिया थोड़ा बहुत स्वैम्पी होता है, हालांकि वो लिटोरल वाले जैसा स्वैम्पी नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत वेट होता है, और इतना डेंस फॉरेस्ट स्वैम्पी रीजन, इसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट यहाँ का टफ होता है, तो फॉरेस्ट भी डेंस है, यानी ट्रीज को कट करना और उसमें से निकालना अपने आप में एक टफ वर्क है, ट्रांसपोर्ट सही है नहीं तो वहां से उसको ले जाना अपने आप में टफ है, टेंजल्ड है उसकी वजह से उनको निकालना टफ है, इसलिए कमर्शियली ज्यादा एक्सप्लॉइटेड नहीं है, ठीक। और इनकी करेक्टरिस्टिक भी है कि उसमें जो है कोई स्पेसिफिक प्लांट आपको नहीं देखने को मिलेंगे, वैरायटी ऑफ स्पीसीज है, काफी डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वहां का सही नहीं है, ठीक है, ड्यू टू स्वैम्पी एरिया, ड्यू टू रेगुलर रेनफॉल, ठीक। और ये करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये ट्री जो है वो काफी विगोरसली ग्रो होते हैं, काफी विगोरसली ग्रो होते हैं, खूब ज्यादा लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है, 60 फीट तक की हाइट होती है इनकी, ठीक है, क्या होती है, 60 फीट तक की इनकी हाइट होती है, और ये जो होते हैं इनमें आपको लेयर वाला सिस्टम देखने को मिलता है, लेयर वाला, जैसे कुछ छोटे प्लांट्स अभी जो ग्रो हो रहे हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, नहीं, एक स्ट्रेटिफाइड जैसा आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, इसका जो कवर है, मतलब जो सरफेस है, सरफेस आपको क्लीन मिलेगा, सरफेस पे आपको ग्रासेस नहीं मिलेंगे, कारण क्या है, यहाँ पे जो ग्रास उगती है, ऐसा नहीं ग्रास उगती नहीं है, वो सरफेस पे नहीं फैलती है, वो सीधे ऊपर को बढ़ जाती है, कारण क्योंकि ग्राउंड पे, यहाँ पे ग्राउंड पे सनलाइट नहीं पहुंचती है, और सनलाइट के कंपटीशन में ये सब ऊंचे को ग्रो होते चले जाते हैं, ठीक। होप इनके करेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। हाँ, लेयर वाली बात मैंने करी ही थी, ये जो होते हैं लार्ज कैनोपी के लिए जाने जाते हैं, लार्ज कैनोपी, अब कैनोपी आप समझ रहे हो, कैनोपी जैसे वो लगाते हैं ना, जैसे सिम बेचने के लिए वो छाता जैसा लगाते हैं, तो मतलब इनका काफी ज्यादा घेरा होता है, दैट इज लार्ज कैनोपी, मल्टी लेयर होते ही हैं। इतने हम आपको फीचर बता चुके हैं, अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो आप फटाफट बताओगे, क्या बताओगे, ग्रो विगोरसली, मल्टी लेयर्ड कैनोपी, टेंगल्ड, वेरियस स्पीसीज, हो गया। तो ये हम इसके बारे में पढ़ चुके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में पढ़ चुके। अगला हमारा क्या है, ट्रॉपिकल डिसुडियस फॉरेस्ट है, ठीक। इकोनॉमिक वैल्यू पे अगर बात करोगे तो जैसे कुछ चीजें हम यहाँ पे बता ही दिए, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है कि यहाँ मैंने टिम्बर के लिए, फर्नीचर के लिए, ब्यूटी फर्नीचर के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, हाँ, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, इन सब के लिए क्या होती है, यूज होती है, ठीक। अब हम लोग आए थे ट्रॉपिकल डिसुडियस पे, जिसको पीपीटी भी पढ़ना होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, और वीडियो कैसी लग रही है ये भी बता देना, ट्रॉपिकल डेसीडुअस। अब जो डेसीडुअस हैं, इनका है कि ये अपनी जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करते हैं, अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, ठीक, पर्टिकुलर टाइम पे अपनी लीव्स को क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। अब पर्टिकुलर टाइम क्या होता है, तो कह सकते हो कि जस्ट आफ्टर विंटर या बिफोर स्टार्टिंग समर, दो में से आप कुछ भी कह लो, ठीक। अब आप विंटर समर अगर भूल जाओ, तो अगर आप डिसुडियस फॉरेस्ट वाले रीजन में रहते हो, ठीक है, डिसुडियस फॉरेस्ट जो अभी मैं बताऊंगा, और ऐसे अगर उसमें रह रहे हो, इतना जान रहे हो ज्योग्राफी, ये सब आपके आसपास की चीजें हैं, तो होली का जो टाइम होता है ना, होली का टाइम,
होली वगैरह का जलाने वाले में पार्टिसिपेट किया, तो आपको पता है सारी पत्तियां बटोर लेकर के जाते हो, इतनी पत्ती गिर चुकी होती है, यानी वही टाइम उनके क्या होता है, वही पतझड़ का समय जो होता है ऑटम सीजन, यानी ये कब गिराती है, ये सीजन कौन सा होता है, ऑटम सीजन। तो ये ऑटम सीजन हो चुका होता है, यानी ये अपनी लीव्स को शेड कर चुके होते हैं, वही पत्तियां ले जाके होली में इकट्ठा करके हम लोग जलाते हैं, और वहीं से फिर जस्ट क्या शुरू होता है, हमारा स्प्रिंग शुरू हो जाता है, यानी बसंत शुरू हो जाती है, नई कोपलें आना शुरू हो जाती है, नई पत्तियां आना शुरू हो जाती है। ठीक, तो ये चीज अब ये पूछा जाता है कि क्यों शेड कर देते हैं, रीजन क्या है क्यों शेड कर देते हैं। तो जिन रीजन में पाए जाते हैं वहां की रेनफॉल होती है 3-4 मंथ्स ऑफ द ईयर, बस इतने में रेनफॉल होती है, बाकी टाइम ड्राई पीरियड रहता है। तो उस लॉन्ग ड्राई स्पेल को बियर करने के लिए, क्योंकि वहां उस टाइम उनको वाटर की सप्लाई कम से कम होगी, पानी उनको कहां से मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए अब चूंकि अगर लीव्स हैं तो वो इवेपोट्रांसपिरेशन करती है, पानी वहां से निकलता है, तो लीव्स को शेड कर देते हैं, ठीक है, और इससे वो लॉन्ग ड्राई स्पेल जो है उससे वो क्या करते हैं, अपने को सेव कर लेते हैं। ठीक, ये आगे से करेक्टरिस्टिक में, अब उसके ज्योग्राफिकल फीचर आप देख सकते हो, जो ज्योग्राफिकल फीचर देखो, टेम्परेचर इसका जो होता है वो आपका 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको एयरली देखने को मिलता है। अगर आप रेनफॉल की बात करोगे तो रेनफॉल के बेस पे इसकी दो कैटेगरी कर लेते हैं कभी कभी, एक कहते हैं मॉइस्ट डेसिडियस मॉइस्ट, ठीक है, अब मॉइस्ट में जो है जैसे वो 200 सेंटीमीटर और मोर था, ये 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में है, और ड्राई डेसिडियस की अगर बात करोगे तो ये 75 से 100 के बीच में है। ठीक, इसको इतना कह सकते हो कि मॉइस्ट वाला जो है, मॉइस्ट ये आपके जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़े हो ना, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन और जो डिसुडियस फॉरेस्ट है इसके बीच का एक ट्रांजिशनल वेजिटेशन कह सकते हो। ठीक, क्योंकि भाई 200 सेंटीमीटर तक इसकी बाउंड्री है और उसका 200 सेंटीमीटर से शुरुआत है, और जो ड्राई वाला है इसको आप ट्रांजिशनल कह सकते हो किसका, डेजर्ट वेजिटेशन का, क्योंकि डेजर्ट वेजिटेशन में लेस देन 75 सेंटीमीटर है और इसका 75 सेंटीमीटर शुरुआत है। ठीक, ये सब समझने के लिए है, ये सब ट्रिक बिड़ा ले जाओगे तो कभी आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो ये हो गया क्या इसकी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट। हाँ, अब इसकी पहले पाए कहा जाते हैं, ये चीज देखो, ये सबसे, अब इसके बाद में आपको ज्यादा इसमें वो नहीं करना कि जो है अलग अलग इसका पढ़ना है, मॉइस्ट और ड्राई, अलग अलग कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, अलग अलग कुछ नहीं पढ़ना है। ट्रीज इसके कौन कौन से हैं आप ये जान सकते हो, ट्रीज आपके इसमें है नीम, टीक, टीक को ही सागौन कहते हैं, ठीक, बंबू भी है, इसमें भी बंबू उगते हैं, ठीक है, साल, साग, टीक माने सागौन हो ही गया, सेमल, महुआ, ठीक है, ये सब क्या है, ये इसमें के ट्रीज है, कहां पाए जाते हैं, इंडिया के सबसे ज्यादा पार्ट में यही पाए जाते हैं, जैसे एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है, वैसे ही सबसे ज्यादा जो है ये पाए जाते हैं, ये पूरा यूपी बिहार का रीजन है, ये सब पूरा रीजन है, ठीक है, यहाँ बाकी वाला छोड़ दोगे तो इस रीजन में पाए जाते हैं, ये पूरा माउंटेन वेजिटेशन का रीजन, ये ऊपर वाला है ही, तो ये सारे रीजन, इसमें स्टेट आप गिनना तो आप गिनना शुरू करो, यूपी बिहार पंजाब हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश कर्नाटक मुंबई वेस्टर्न राजस्थान, ठीक, इस तरीके से आप स्टेट इनको बताना शुरू कर सकते हो। ठीक, इस जगह पे क्या है ये पाए जाते हैं, इमेज हम सबकी आपको दिखाते चलेंगे। अब इसके अलावा इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहली चीज है कि ये आपकी कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड, और पूछ जाता है कि क्यों है, वो इसलिए कि यहां पे आपको स्पेसिफिक ट्रीज मिलते चले जाएंगे, इसमें आपको मिलेंगे स्पेसिफिक ट्रीज मिलेंगे। दूसरा, ये ना तो उससे टेंजल्ड होते हैं, ना तो ज्यादा डेंस होते हैं इस तरीके, इसलिए वहां का ट्रांसपोर्ट भी सही होता है, इसलिए सबसे ज्यादा कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करे जाते हैं ये, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट होते हैं। ट्रीज के यूजेस के बारे में आप जान लो, फर्नीचर के लिए, इन सब के लिए चीजें यूज होती है। ठीक, इनकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी की होती है किसकी, मतलब अगर वैल्यूएबल की बात करो तो वैल्यूएबल तो सबसे ज्यादा आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले हैं, लेकिन अगर लेकिन बहुत ज्यादा किसी की वैल्यू हमको अगर वो मिल ही ना रहा हो तो उसकी वैल्यू से हमको क्या मतलब है, तो ये चीजें थोड़ा यहां पर हो जाती है। ठीक है, एक सेकेंड,
अब आ जाते हैं हम लोग ट्रॉपिकल डेजर्ट पे। ट्रॉपिकल डेजर्ट तो हम लोग अभी वो बना के चल रहे हैं ना रेनफॉल का, कि 200 आर एबव पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन था, 75 से 100 पे ड्राई डेसिडियस था, 100 से 200 पे क्या था हमारा ड्राई, 100 से 200 पे मॉइस्ट डेसिडियस था, या ऐसे कह सकते हो कि 75 से 200 के बीच में डेसिडियस था। तो 75 से लेस जहां रेनफॉल होती है, 75 से लेस रेनफॉल जहां पे होती है वहां पे क्या होते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट वहां पे देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर इनका वही रहता है 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड एनुअल टेम्परेचर इनका रहता है। इनमें ट्रीज अगर आप देखोगे तो ट्रीज इनमें आपको मिलेंगे खैर के ट्री, खैर, बबूल। अब बबूल और एकेसिया दोनों लिखा मिल जाएगा, बबूल का ही नाम एकेसिया है तो अलग अलग आपको नहीं देखना, ठीक। ये ट्रीज है। इसके अलावा जो थॉर्न वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है उसमें आपका कैक्टस है, ठीक है, कैक्टस है, और इसके अलावा बहुत सी बुशेस ये देखने को मिलती है। अगर ये रीजन देखोगे कहां कहां मिलते हैं तो ये आपके यहां पे जो ईस्टर्न राजस्थान है, क्या ईस्टर्न राजस्थान वहां पे, और ईस्ट की तरफ राजस्थान में ईस्ट की तरफ वही इन ट्रीज से धीरे धीरे बुशेस की तरफ मामला बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वैसे वैसे रेनफॉल कम होती चली जाती है तो ट्रीज के बजाय वो धीरे धीरे बुशेस में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। इसके अलावा डेक्कन प्लेट्यू रीजन में, जो मिड वाला डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, यहाँ पे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सबका रीजन जो बीच में पड़ जाएगा, यहाँ पे आपको डेजर्ट वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ये होगा इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन। प्लांट्स कौन से पाए जाते हैं आप देख लिए। अगर प्लांट्स के यूजेस पे पूछ लिया जाए तो बबूल, सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा, मंजन बनता था, टूथपेस्ट आता था इसका, बबूल में गम निकलता है, बहुत सारी चीजें इसमें है जो हमारे ज्यादातर ये मेडिसिनल यूज के लिए। इसके अलावा ड्यूरेबल होती है, जो है रॉट रेसिस्टेंट होती है, बोट मेकिंग के लिए, फर्नीचर के लिए, बेड वगैरह के जो पाए बनाए जाते हैं उनके लिए ये क्या होते हैं, यूज होते हैं। अगर इनका हम देखेंगे कि कोरिलेशन विद एनवायरनमेंट, अगर इनका देखने की कोशिश करेंगे एनवायरनमेंट के साथ में किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, तो इनका एनवायरनमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट का इन पे क्या पड़ता है, तो इनमें आप देखोगे, ठीक है, कि जो लीव्स होती हैं तो लीव्स बाकी लीव्स जैसे नहीं पाई जाती, लीव दरअसल थॉर्न के रूप में रहती है, यानी कांटे के रूप में रहती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, दो चीजें होता है, एक तो वो एक्स्ट्रा इवेपोरेशन से सेव करते हैं खुद को, दूसरा वो वहां के एनिमल से अपने को सेफगार्ड करते हैं कि एनिमल को चढ़ना जाए कोई कांटा गड़ जाए, ठीक। ये इनके रूट्स अगर देखोगे, रूट्स तो एक रेडियल पैटर्न में, रेडियल मतलब सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में हर तरफ को खूब फैली होती है और काफी डीप तक इंसर्ट करी होती है, क्यों, क्योंकि यहां से इनको वाटर लेने में हेल्प मिलती है। तो इतना बड़ा भी अगर कोई प्लांट होगा तो उसकी रूट यहां तक होगी, ठीक, ये इसकी एक खासियत है। दूसरा इनमें क्या होता है, इन्हें बहुत सारी एंड्स वगैरह इस पे रहती हैं जो इसमें से जो जूस निकलता है इन प्लांट से, उन सबको, उन सब पे डिपेंड रहती है, अगर कोई एनिमल इन पे अटैक करता है तो ये उस पे अटैक कर देती है, ठीक। इस तरीके से इनका वहां पे क्या होता है, एनवायरमेंट के साथ में इनका मैचिंग होती है, वहां से चीज चलता रहता है। ऐसी वेजिटेशन को हम जीरोफाइटिक वेजिटेशन कहते हैं, ठीक, जीरोफाइटिक और हाइड्रोफाइटिक, दो तरीके, हाइड्रोफाइटिक यहां पे वाटर मिलता है, जीरोफाइटिक यहां पे नहीं मिलता है, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं लिटोरल पे, एक सेकेंड, लिटोरल वाला। अब लिटोरल को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, लिटोरल, टाइडल, स्वैम्पी, ठीक, ये सब सुंदरी वन इंडिया में यही है, सुंदरी वन वन या सुंदरी फॉरेस्ट, ठीक है, वो यही है। टेम्परेचर रेनफॉल इनका ट्रॉपिकल डेजर्ट जैसा होगा, इनसे इनमें आपको इनका टेम्परेचर रेनफॉल पूछने भी नहीं जाएगा, ठीक है। इनकी करेक्टरिस्टिक ज्यादा पूछी जाएगी, तो इनके करेक्टरिस्टिक में ये होता है, सबसे बड़ी बात ये जानो, इनमें सबका हम लगाए दे रहे हैं, इनकी स्टिल्ट रूट होती है, स्टिल्ट रूट सिस्टम, मतलब
आप देख सकते हो कि ये ऐसे इनकी रूट्स जो हैं वो ट्रीज के बाहर निकली होती हैं, ठीक। और क्यों निकली होती है? क्योंकि रूट्स जो होती हैं ये ब्रीदिंग रूट्स होती हैं, सांस लेती हैं, ठीक है। ये रूट्स क्या होता है कि दरअसल, हाँ एक नाम इनका टाइडल बताया ना, तो टाइड से बात है, इनमें पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, और ये ब्रेकिश वाटर होता है, खारा पानी, ब्रेकिश वाटर। तो इनकी रूट्स जो है तो उसके और ऊपर निकल आती है और वहां से ये ब्रीदिंग करती है प्लांट से, ये जो रेगुलेटरी फंक्शन होता है वो यहां से करते हैं। पाए कहां जाते हैं? डेल्टा रीजन। अब जितना डेल्टा है, महानदी, गोदावरी, गंगा डेल्टा, जो सुंदरवन डेल्टा, वहीं पे सुंदरी के ट्रीज पाए जाते हैं, उन सब डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं। स्वयंपी रीजन, ठीक है, स्वयंपी इसीलिए बोलते हैं डेल्टा रीजन है, ठीक है। तो डेल्टा रीजन में ये सब पाए जाते हैं, यहाँ पे टाइड्स वगैरह भी आते हैं वहां पे। अगर आप लाइफ ऑफ पाई देखे होंगे, इमरान खान की मूवी थी, तो उसमें ये फॉरेस्ट खूब दिखाए गए हैं, ठीक, वहां पे पाए जाते हैं। ट्रीज कौन कौन से हैं? ट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट सुंदरी का ही है, सुंदरी। इसके अलावा राइजोफोरा, राइजोफोरा अगर, इसे ट्रीज पाए जाते हैं। इनके अगर यूजेस पे आओगे तो चूंकि ये पानी में ही ऑलरेडी ग्रो हुए होते हैं, इसलिए रॉड रेसिडुअल सड़ते नहीं जल्दी, इसलिए इनका बोट मेकिंग में इनका सबसे ज्यादा यूज किसमें? बोट मेकिंग में। इसके अलावा फर्नीचर, एज अ फर्नीचर यूज आप तो सब में कह ही सकते हो, ठीक। एनवायरमेंट से अगर रिलेशन देखोगे तो एनवायरमेंट रिलेशन में ही ये चीज आती है, क्योंकि स्टील रूट होती है, ब्रीदिंग रूट होती है, जो कि वाटर के बाहर आकर के क्या करती है, अपना ब्रीदिंग करती है। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट, तो माउंटेन एक तो आपका हिमालयन रीजन पूरा माउंटेन है, इसके अलावा भी जो साउथ में जैसे नीलगिरी वगैरह ये सब माउंटेन पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन बेसिकली जब माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो हमारा ध्यान वही हिमालयाज वाले रीजन में जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इनका वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होता है। रेनफॉल डिफर करती है यहाँ पे, टेम्परेचर भी डिफर करता है। हाइट्स के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है कि हाइट के हिसाब से यहाँ के ट्रीज डिफर करते हैं। जैसे फुटहिल जोन जो है, फुटहिल जोन का मतलब माउंटेन का नीचे वाला हिस्सा, वहां पे आपका ट्रॉपिकल डिसीडुअस पाया जाता है। डिसीडुअस इसके ऊपर 1000 से 1500 तक का जो रीजन है, ठीक है, वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, लेकिन वो एवरग्रीन ट्रॉपिकल वाला नहीं, यहाँ पे चेस्टनट वगैरह के, चेस्टनट वॉलनट ये सब के ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं। 1500 से थोड़ा और ऊपर जाओगे 3500 तक, यहाँ पे आपको मिलता है कोनीफेरस ट्रीज मिलते हैं, कोनीफेरस ट्रीज, जिसमें आपके चीर की ही हिंदी पाइन होती है, बाद में उसका दुनिया भर का कोई भी नाम नहीं, पाइन, सिल्वर पाइन, ब्लू पाइन, फर, और इसके अलावा यहाँ पे देवदार के ट्रीज मिलते हैं, ठीक, जो कि कोनीफेरस होते हैं। कोनीफेरस का मतलब क्या? ऐसे इन्वायरमेंट रिलेशन अगर इनका समझोगे तो कोनीफेरस इसीलिए होते हैं कि जो यहाँ पे जो स्नोफॉल होती है तो स्नोफॉल यहाँ से स्लाइड हो जाती है तो ट्रीज डैमेज नहीं होते, इसका रिलेशन है। और इसके ऊपर 3500 के ऊपर जो स्नो लाइन है, स्नो लाइन का मतलब होता है कि वो रीजन जिसके ऊपर बर्फ कभी खाली नहीं होती, ठीक है, जैसे उसके नीचे की तो पिघल जाएगी गर्मी में, लेकिन उसके ऊपर वाली कभी नहीं पिघलेगी, वहां इतना टेम्परेचर कम होगा ही नहीं। तो स्नो लाइन तक क्या होता है, यहाँ पे कुछ ग्रासेस पाए जाते हैं जिसमें आपका मोजेस है, लाइकेंस है, ये तब पाया जाता है जब वहां की स्नो है जब मेल्ट होती है, तब ये वहां पे ग्रासेस पाई जाती है। तो ये कुल मिला के वहां पे जो है वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से वहां पे होता है। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये ट्रीज, हार्ड ड्यूरेबल होते हैं, और लेकिन इनका भी एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा टफ होता है, क्योंकि हिली रीजन से इनको ट्रांसपोर्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक। बाकी जैसे चेस्टनट वगैरह हुआ तो इनसे आपको फूड प्रोडक्ट भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं, राइट। पाए कहाँ जाते हैं? तो अभी हमने आपको मैप में दिखाया ही था कि किस तरीके से हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, ये पूरा जो हिमालयन रीजन है यहाँ पे पाया जाता है, साथ में कुछ साउथ में जहाँ पे कुछ नीलगिरी वगैरह है वहाँ पे कुछ जो है इसके प्लांट्स, ट्री वेजिटेशन क्या होती है आपकी पाई जाती है, ठीक। हाँ, तो ये हो गया कुल मिला के हमारे किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्या देखेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो सबसे पहले
फॉरेस्ट कंजर्वेशन की नीड क्या है, तो नीड में एक चीज तो आप पहले जानो कि सबसे पहले बात करेंगे इसमें यूजेस क्या क्या है जो आप पढ़ चुके हो, चाहे इंपॉर्टेंस को हो, यूजेस को हो या नीड को हो, एक चीज हो गई। दूसरा, कंजर्वेशन की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि क्या, ग्रोइंग पॉपुलेशन। पहली चीज तो ऐसे जान लो, जितना फॉरेस्ट कवर था अगर उतना ही रहता तो भी अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो हमको फॉरेस्ट ज्यादा नीड है, क्योंकि हम उससे बताया ना इतनी इतनी चीजें हमको मिलती हैं तो वो हमें ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन ज्यादा मिलने के बजाय ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या कर रही है, इनका क्लियरेंस कर रही है। क्या कर रही है, क्लियरेंस कर रही है किस लिए, अपने हैबिटेट के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। CULTURL एग्रीकल्चर लैंड यानी हैबिटेट एक्वायर करने के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर करने के लिए क्या कर रही है, इनका क्लियरेंस कर रही है। ठीक, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है तो पोल्यूशन कंट्रोल कौन करेगा, फॉरेस्ट करेंगे। डिफॉरेस्टेशन हो ही रहा है। इंडस्ट्रियल यूज में काफी ज्यादा खत्म ही हो रहे हैं इंडस्ट्रियल यूजेस। ठीक, तो ये सब जो इसका कुल मिलाकर के क्या है कि इसका काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, यानी काफी ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी वजह से हमें इसको कंजर्व करके रखना है। ठीक, ये चीज हो गई। अच्छा, कंजर्व करेंगे कैसे, यानी कंजर्वेशन मेजर्स पे हम बात करते हैं। कंजर्वेशन मेजर्स पे तो कंजर्वेशन मेजर्स कई सारे हैं, जैसे हम एफॉरेस्टेशन करें यानी पेड़ लगाएं, क्या करें, पेड़ लगाएं, एफॉरेस्टेशन करें। और ये है कि किसी भी कंट्री के या ओवरऑल वर्ल्ड के 1/3 पार्ट पे वेजिटेशन अगर हो तो पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। और परसेंट में देखो जनरली 33% है। ठीक है, इतना होना चाहिए। एफॉरेस्टेशन साथ में की और भी आती है, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हम आपको मना नहीं कर रहे हैं कि आप फॉरेस्ट कट मत करो भाई, आपके यूजेस के लिए आप यूज करो, मना नहीं किया जाएगा कि यूज ना करो। लेकिन अगर आप कट करते हो तो प्लांट भी तो करोगे, आप केवल कट करते चले जाओगे तो प्लांट कौन करेगा, अगला फॉरेस्ट कहां से आएगा। ये आपको ये भी पता कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज तब है जब इनको आप रिन्यू करोगे तब तो रिन्यूएबल है। और कट और प्लांट के बीच में आप कुछ गैपिंग भी रखो कि हाँ नए प्लांट्स बढ़ तो जाए तब आप कट करो, ऐसा नहीं कि आप कट करके साफ कर दो और नए प्लांट ग्रो ही नहीं हो पा रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि बहुत सारे जोन रिजर्व हैं, अनकैटेगराइज्ड हैं। ठीक है, रिजर्व में कोई नहीं जाता है, अनकैटेगराइज्ड में जो है केवल जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं, एक जनरल पब्लिक के लिए जिसमें वो फ्यूल्स फायरवुड वगैरह लेने के लिए जाते हैं, फायरवुड या जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए उसमें इंटर करते हैं। इस तरीके से ये जोन बनाए जाते हैं जहाँ पे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन बनाए जाते हैं, डेवलप किए गए हैं। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब मेजर्स हैं। ठीक है, मेजर्स हैं। इसके अलावा कुछ और मेजर्स अपनाए गए जिसमें आपकी आती है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री में क्या है, इसमें गवर्नमेंट और पीपल इनका ज्वाइंट वेंचर होता है। ठीक, और इसमें ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। गवर्नमेंट लैंड देती है, फंडिंग करती है, बस ये कि वहां के लोग वहां पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस करें और उसमें उनका जो उसके फ्यूल है, फ्रूट्स हैं, वो सब कंज्यूम करें। जब फॉरेस्ट कटेंगे, सेल होगा, तो उसमें उनको पार्ट भी दे दिया जाएगा, दैट इज दिस। इसके अलावा एग्रोफॉरेस्ट्री होती है। एग्रोफॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है कि हम एग्रीकल्चर के साथ में फॉरेस्ट ग्रो करें। जैसे हमारा एक फील्ड है, इसमें यहाँ पे हम बीच में अपनी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे हम खेतों के किनारे किनारे क्या कर दें, प्लांट्स ग्रो कर दें। ठीक, एग्रोफॉरेस्ट्री हो गया। आप सॉइल में पढ़े हो, सॉइल कंजर्वेशन में चीज पढ़े हो कि हम लोग एक चीज और करते हैं। ठीक है, यानी शेल्टर बेल्ट्स बनाते हैं। शेल्टर बेल्ट्स में क्या करते हैं, शेल्टर में ट्रीज हैं, यहाँ पे लाइन है ट्रीज की, यहाँ पे लाइन है और बीच में हमारी क्रॉप है, जिसे सॉइल इरोजन नहीं होता। देखो,
सॉइल इरोजन कितना ज्यादा रिलेट कर रहा है वहां पे जाकर के, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको कंजर्व कर सकते हैं। एग्रोफॉरेस्ट्री हमने देख ली, सोशल फॉरेस्ट्री देख ली। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, नए ट्रीज लगाना। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है ट्रीज को कट करना। रीअफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि एक पेड़ काटो दो पेड़ लगाओ वाले उस पर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हमारे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। होप आपको चैप्टर में मजा आया होगा। कुछ अगर छूट गई हो तो आप बताओ, हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे, अगले वीडियो में उसको ले लेंगे। आपका जो सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। अगला चैप्टर क्या हो आप कमेंट बॉक्स से बताओ। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू एवरीवन।